दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। आज पहलवानों के धरने का नौवां दिन है। पहलवानों के धरने को लगातार समर्थन मिल रहा है। आज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू जंतर मंतर जाएंगे और पहलवानों को समर्थन देंगे। पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पहलवान ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। तो पिछले 8 दिनों से जंतर मंतर पर देश के नामचीन पहलवान धरने पर बैठे हैं। और इस वक्त मेरे साथ आदित्य प्रताप सिंह दिल्ली के जंतर मंतर से जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। आदित्य, नौवां दिन है और नौवें दिन भी धरना जारी है, समर्थन मिल रहा है, 9 बज चुके हैं। सबसे पहले बताइए वहां की स्थिति अभी क्या है। बिल्कुल धर्म, आपको सीधे तस्वीरें ही दिखाऊंगा। इस समय जंतर मंतर पे ही खड़े हैं और अभी से कुछ मिनट पहले ही जो बजरंग पुनिया विनेश फोगाट हैं वो यहाँ धरना स्थल पर पहुंचे और सुबह से ही यहाँ पे लगातार जो लोग हैं वो उनके समर्थन में पहुंचते हैं। कई लोग यहाँ पर आए, अभी उनसे मिले और अपने समर्थन की मांग की। कैमरा सहयोगी नमीन से कहूँगा कि आप ये धरना स्थल की तस्वीरें जो हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पर बजरंग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। लगातार लोग मिल के उनसे अपने समर्थन जो है वो उनको दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आज मौसम भी खराब है, कल भी बारिश हुई थी जिसके चलते प्रशासन ने यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा गया था। और अभी जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, दिल्ली पुलिस भी लगातार जो पहलवान हैं, जो 7 महिला पहलवान थी जिनके नाम पे शिकायत जिन्होंने दर्ज की थी, जिनकी याचिका थी, उनको सुरक्षा दे दी गई है। आज लगातार राजनीतिक दलों का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, आज भी कांग्रेस के जो नेता हैं, पूर्व सांसद हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो आज 2 बजे के आसपास जो है वो यहाँ पर जंतर मंतर पहुंचेंगे, अपना समर्थन देंगे और बाकी सोशल मीडिया से वो लगातार पहलवानों के समर्थन की बात करते रहे। इसके अलावा कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां और भी आज यहां पर जंतर मंतर पर पहलवानों को समर्थन देने के लिए पहुंच सकती हैं। जी धर्म, बताइए जो तस्वीरें हम देख रहे थे आदित्य, मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है कि आने वाले 1-2 दिनों में हो सकता है दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम खराब हो, बारिश हो, अगर बारिश होती है तो फिर पहलवानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है क्योंकि वहां पर खिलाड़ी पिछले 8 दिनों से डटे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे प्लास्टिक सीट जो है वो जो धरने स्थल के, एक बार आपको तस्वीर दिखाऊंगा, आज ही सुबह यहाँ पे पहले इससे केवल 1 प्लास्टिक सीट लगी थी, अभी फिलहाल 2 प्लास्टिक सीट जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है ताकि अगर बारिश होती भी है तो जो मुख्य धरना स्थल है वहाँ पर पहलवानों को दिक्कत ना हो और वो अपना जो धरना है वो कंटिन्यू रखें। पहलवानों की मांग है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ पर बने रहेंगे और लगातार वो मांग करते रहेंगे कि उनकी गिरफ्तारी हो और उसके बाद ही कहीं ना कहीं यहाँ से जो धरना है वो यहाँ पर खत्म होगा। और बजरंग पुनिया लगातार इस चीज को कहते रहे कि हमारी सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई है वो न्याय की लड़ाई, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ये लड़ाई यहाँ तक पहुंची है और ये लड़ाई समाप्त भी उसी शर्त पे होगी कि बजरंग जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी हो। जी, अभी तो थोड़ी संख्या कम लग रही है, भीड़ थोड़ी कम नजर आ रही है, संभव है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा भीड़ थोड़ी बढ़ेगी। उसके बाद आज सोमवार का दिन है तो अपेक्षाकृत जो हमने शनिवार और रविवार को भीड़ देखा था उतनी भीड़ संभवतः आज ना हो। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मौसम का भी असर है और दूसरा आज क्योंकि सोमवार है, वर्किंग डे है, लोग जितना कल जितनी भारी भीड़ दिखाई दी थी जंतर मंतर में संभवतः उतनी भीड़ आज नहीं दिखाई देगी। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का आना है, कल जो राकेश टिकैत हैं उनके पहुंचने की भी सूचना है। भारतीय किसान यूनियन लगातार अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँच रहा है और तमाम जो आयाम है भारतीय किसान यूनियन के वो भी यहाँ पर पहुँच के अपना समर्थन दे रहे हैं और लगातार राजनीतिक लोगों का आना जाना यहाँ पर है, अपना समर्थन देने का क्रम जारी है। तो कहीं ना कहीं 10-11 बजे के आसपास से फिर से यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि आज मौसम के पूर्वानुमान और इसके अलावा जिस तरीके से आज वर्किंग डे है उस वजह से कंपैरेटिवली सैटरडे और संडे के आज भीड़ थोड़ी सी कम दिखाई दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो जंतर मंतर पर इस वक्त पहलवान जुटे हुए हैं, भीड़ थोड़ी जरूर कम है।